मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने को अब तक कम समय बचा है। दोनों ही दल जीत के दावे कर रहे हैं। चुनाव में जीत किसी की भी हो, पर नई सरकार बनते ही प्रशासनिक सर्जरी तय है। 31 दिसंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी समय है, पर प्रशासनिक गलियारों में परिणाम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास के कारण है नई सरकार के गठन के बाद होने वाली प्रशासनिक सर्जरी। माना जा रहा है कि सरकार किसी भी बड़े प्रशासनिक सर्जरी के लिए तैयार है। हालांकि प्रशासन के चेहरों की तस्वीर नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगी। परिणाम के बाद प्रशासनिक सर्जरी, इस महीने नया मुख्य सचिव नियुक्त होना है। सीएस बीपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। जुलाई में मिला था 6 महीने का एक्सटेंशन। मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद होंगे तबादले। मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक बदलाव के संकेत। लोकसभा चुनाव के पहले होगी जमावट। कुछ अफसर प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा सकते हैं। परिणाम के बाद प्रशासनिक सर्जरी, नए मुख्य सचिव के कई दावेदार। 1985 बैच के आईएएस राधेश्याम जुलानिया, आईएएस इकबाल सिंह बैस, आईएएस एस आर मोहंती, 1984 बैच के एपी श्रीवास्तव, 1985 बैच के प्रभांशु कमल। कुल मिलाकर साफ है कि सरकार में कोई भी आए प्रशासनिक सर्जरी तय है, ताकि लोकसभा चुनाव के पहले जमावट कर ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।